इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 11 के शुरुआती दौर में ही चेन्नई सुपर किंग्स को तगड़ा झटका लगा है। सीएसके के ऑलराउंडर क्रिकेटर केदार जाधव मांसपेशियों में खिंचाव के कारण आईपीएल के 11वें संस्करण से बाहर हो गए हैं। शनिवार को खेले गए मैच के दौरान वो चोटिल हो गए थे और अब वो आईपीएल के पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के कोच माइकल हसी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा, दुर्भाग्य से केदार जाधव इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। उनकी हैमस्ट्रिंग के स्कैन की रिपोर्ट सही नहीं आई है। मुझे लगता है कि ये ग्रेड 2 की चोट है। वो कुछ समय तक खेल से बाहर रहेंगे। हमने अभी तक उनकी जगह पर किसी अन्य का चयन नहीं किया है। हम प्रक्रिया के हिसाब से चलेंगे। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच शनिवार को खेले गए लीग के उद्घाटन मैच में जाधव की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। इस वजह से वो 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर मैदान से बाहर चले गए थे। जाधव ने इसके बाद बल्लेबाजी में वापसी की थी और आखिरी ओवर की 4थी गेंद पर छक्का और फिर 5वीं गेंद पर चौका मारकर चेन्नई को जीत दिलाई थी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से जाधव का बाहर होना जाहिर सी बात है चेन्नई टीम और फैंस दोनों के लिए परेशानी वाली बात है। अब देखना यह होगा कि सीएसके की टीम इस दौर से कैसे उभरती है।